सीहोर के भैरुंदा में हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां तेज बारिश के दौरान नीलकंठ महादेव मंदिर में आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरी, जिसकी वजह से शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर में अनुष्ठान करने वाले पुजारियों के सामने ये घटना हुई। पुजारियों की माने तो बिजली गिरने की वजह से चारों तरफ तेज रोशनी हुई और फिर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये जो अभी बिजली गिरने की घटना हुई, कहाँ हुई है? नर्मदा के तट में नीलकंठ गांव में, नीलकंठ मंदिर में। आप ही पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? हम लोग बाहर से आए हुए हैं अनुष्ठान में, नवरात्रि के पावन पर्व पर अनुष्ठान करने के लिए आए हुए हैं। तो ये शिवलिंग के पास ही आप अनुष्ठान कर रहे हैं? जी जी हाँ। तो यहाँ पे क्या घटना घटी हुई बताएंगे? बारिश हो रही थी, खूब तेज से एकदम बिजली गिरी है और हम लोग बाहर आकर देखे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दिया। महाराज जी को देख रहे थे, महाराज जी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद जब महाराज जी आ गए तो हम लोग देखे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ है, वो प्रकाश कहाँ पर हुआ? ऐसा महसूस हो रहा था कि बिजली यहीं आसपास गिरी है। और फिर जैसे वहाँ से शायद घूम करके आए तो देखें तो शिव जी में दृष्टि पड़ी है, तो शिव जी में थोड़ा सा उसके टुकड़े हो गए शिव जी के। उसके बाद हमें किसी को सूचना दी क्या? हम महाराज जी से बताएं, फिर महाराज जी ने अन्य लोगों से बताया। मतलब आपने अपने सबसे पहले आपने देखा वो सीन को? आपको बता दें कि सीहोर में जोरदार बारिश हुई, इस दौरान तेज आंधी भी चल रही थी। बारिश के दौरान कई जगह पर आकाशीय बिजली भी गिरी। फिलहाल बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सीहोर से नावेद जाफरी की रिपोर्ट, एमपी तक।